इट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज लाइक दिस सो लेट्स विदाउट एनी डिलेट्स अंडरस्टैंड प्लैंगस थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन सबसे पहले तो प्लैंग्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने हमें ये समझने में मदद करी कि कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है ओवरऑल इट हेल्प साइंटिस्ट और यू नो अस टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑब्जेक्ट हीट्सअप एंड देन कूल डाउन सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली प्लैंक ने क्या प्रपोज किया इन द कंक्लूजन ऑफ इट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट एक्जैक्टली इज इज़ ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी आपने सुना होगा आपके घर गर पर गर्मियों में कई बार आपसे मम्मी पापा ने आई थिंक एक बार एक ना एक बार बोलते ही हैं वो कि भाई काले कपड़े मत पहनो गर्मियों में इतनी गर्मी हो रही है समर डेज हैं यू शुड नॉट वियर ब्लैक क्लोथ्स वॉय बिकॉज सम हाउ ब्लैक इज अ कलर जो कि आपको ज्यादा गर्मी लगेगी बट स्टिल हम काले कपड़े पहनते हैं बिकॉज इट्स ब्लैक सो एट द्लैक बॉडी इज नथिंग बट इट इज एन आइडियलाइज ऑब्जेक्ट इट्स एन आइडियलाइज ऑब्जेक्ट इन रियालिटी अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डोन्ट एक्सिस्ट A black body is an idealized object that absorbs all radiation that hits it. Just radiation uspe hit karengi use black body, pe, it will absorb all all of those radiations and then remits that uh, remits that energy. But in reality, I just now i have said that perfect black body exists, karti, but in science things work like that. We assume things.

डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के बट मैक्स प्लैंक ने नाइनटीन हंड्रेड में एनर्जी इज इन समथिंग विच इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली एनर्जी इज नॉट सम जो कि कंटिन्यूसली एमिटेड और एब्जॉर्ब होगी बट इन डिस्क्रीट अमाउंट उसने कहा वो डिस्क्रीट अमाउंट में होगी अगर एमिट होगी डिस्क्रीट अमाउंट में होगी

For that, Planck created, not blank, it's Planck, sorry. Planck created a formula that describes how much energy is remitted by a black body at different temperatures. So, for that, Bl Planck created a formula. And let me just tell you very quickly what that formula is. So, let me just write it down for you in black color. Okay. So, the, the formula is.

Okay, so interestingly, Planck has also concluded that the energy of radiation, hai, which we have expressed in terms of frequency, which Planck has expressed in terms of frequency, he concluded that these were only an aspect of the process of absorption and emission of radiation. They had nothing to do with the physical reality of the radiation itself. ओके, okay? सो so, आगे देखते हैं और क्या बातें बताई उसने उसने कहा कि एट लो टेम्परेचर रेडिएशन इज मोस्टली इन इंफ्रारेड रीजन उसने कहा जब टेम्परेचर कम होता है तो जो रेडिएशन एमिटोरिया, रेडिएशन जो होंगी वो इंफ्रारेड रीजन में होंगी पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन शिफ्ट हो जाएंगी टू शॉर्टर वेवलेंथ विच यू विल बी एबल टू सी बिकॉज दे आर विजिबल So eventually they become visible light when the radiation shifts to shorter wavelength of happen? as the temperature increases. So we can say the sum up of this Planck theory is that you know these energy levels they are quantized you know that means that energy it it can only be emitted or absorbed in fixed amount, not in continuous form.

So that's it about this lecture. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.